जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर एक का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर दूसरे का लेक्चर नंबर कौन सा है, दूसरा चैप्टर चैप्टर सेकेंड लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों है, सेकेंड। दोस्तों चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियोज आप सीरियल वाइज आपको देखने को मिल जाएं, दोस्तों हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम दोस्तों है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपको सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, हम सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों आप हमारे यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा दोस्तों क्या है, यहाँ से जैसे भी वीडियो डीलेट का हो, जितना जैसे वीडियो यहाँ से प्रोवाइड होगा आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वीडियो जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा आपके अदर भाई बंधु भी देख के क्या फायदा उठा सके दोस्तों। ठीक है, और मैथ में 25 में 25 लाने वाले जितने भी विद्यार्थी सपना देख रहे हैं सभी विद्यार्थी क्या 25 में 25 सब नंबर ला सके, जितने भी आप प्रशिक्षु भाई हैं सभी 25 में 25 नंबर दोस्तों ला सकते। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, दो चैप्टर दोस्तों कौन सा है, चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर कौन सा, दूसरा। यानी कि लेक्चर नंबर एक में दोस्तों हमने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उस पर दोस्तों चर्चा किया था ना दोस्तों, उसके बारे में हमने आपको विधिवत से बताया था। और दोस्तों इसके गुणा पे जो प्रगुण दोस्तों चल रहे थे, क्या चल रहे थे कि गुणा पे जो प्रगुण का यूज करते हैं कैसे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने दोस्तों आपको कितने तीन प्रगुण के बारे में दोस्तों बता दिया था, हमने टोटल बताया कितने पांच प्रगुण थे, कितने प्रगुण दोस्तों टोटल पांच प्रगुण है और हमने तीन प्रगुण के बारे में आपको बता दिया। यानी दोस्तों आज हमारा प्रगुण नंबर कौन सा होगा, चौथा। चौथा प्रगुण दोस्तों हमारा क्या कहता है, अच्छा जो प्रगुण आपने नहीं देखा डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो दोस्तों, यानी कि चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर दूसरा यदि डायरेक्ट आप देख रहे हो तो पहले जाइए चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर पहला जरूर देखिए, उसके बाद इसको जरूर देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और जो कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है चौथा पॉइंट दोस्तों, कौन सा चौथा प्रगुण आपसे कहता है, लिखिए फटाफट, गुणन संक्रिया का योग पर प्रगुण, गुणन संक्रिया का योग पर प्रगुण। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, गुणन संक्रिया का योग पर प्रगुण, क्या गुणन संक्रिया का योग पर दोस्तों वितरण प्रगुण कर लीजिए, यहां पे वितरण
प्रगुण। देखिए ध्यान से, बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों क्या नाम गुणन संक्रिया का योग पर जो वितरण प्रगुण दोस्तों क्या होता है, ध्यान से पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको विधिवत से समझाते हैं। यदि ध्यान समझिए, अभी समझ में आएगा, यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हो तो, ध्यान समझिए, हो तो ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी दोस्तों जो होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये तो आप पहले से जानते हैं। क्या जब ए क्रॉस मतलब ए गुणे बी ब्रैकेट में कितना बी प्लस सी, तो इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे करते थे आपको जब हमने सीखा, कैसे करते दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई से हो गई तो एक ए गुणे बी हो गया, और फिर इसकी मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई सी से होगा, इसलिए ए गुणे सी हो गया। ये दोस्तों बात इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसे यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, इसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। ये चीज दोस्तों समझ में आई, मतलब ये तो आपको पता ही, क्या कह रहा, गुणन संक्रिया का योग पर, योग लगा इसलिए योग पर, ये योग लगा वितरण प्रगुण, गुणन कहा था इसलिए एक गुणे बी प्लस सी बराबर कितना, एक गुणे बी प्लस ए गुणे सी। हम आपको दिखाते भी सिद्ध करके कैसे, जैसे उदाहरण समझिए ध्यान से, क्या कहता है उदाहरण देखिए, जैसे आपको दे रखा हो ए बराबर मान लेते हैं दो है, बी बराबर दोस्तों मान लेते हैं तीन है, और सी बराबर दोस्तों मान लेते हैं चार है, कोई भी नंबर मान लीजिए, किसी में कोई भी नंबर मानिए ध्यान से। तो समझिए यहां से क्या कहता है, ए क्रॉस गुणे मतलब बी प्लस सी निकालते, चेक करते दोस्तों क्या आता है, क्या ये सेम आएंगे। तो दोस्तों ए कितना है दो है, गुणे बी कितना दोस्तों तीन है, और प्लस सी कितना दोस्तों चार है, चेक करिए फटाफट। तो यहां से देखिए दो की मल्टीप्लाई तीन से करेंगे, या ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो दो हो गया गुणे, यहां समझिए दो हो गया, इसको सॉल्व करें दोस्तों, दो हो गया गुणे, और तीन प्लस तीन और प्लस चार दोस्तों कितना हो गया सात हो गया, तो यानी दोस्तों सॉल्व करें, दो सौ तीन चौदह आया। देखें आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने कहा था आपको चेक करके दिखाते हैं, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी यही तो है, पहले हमने इस एलएचएस पार्ट को ले लिया सॉल्व करके दिखा दिया चौदह आया, अब आरएचएस को भी सॉल्व करें चौदह आया, आता है तो हमारा सही है, आएगा ही आएगा क्योंकि ये नियम ही है। क्या देखिए ए कितना दो, बी कितना दोस्तों आपका तीन, प्लस ए कितना दोस्तों आपका दो, एंड दोस्तों सी कितना आपका चार, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो दो तीन छः प्लस दो चौकू आठ, तो छः आठ दोस्तों कितना हो गया चौदह। तो देखिए जो एलएचएस पार्ट था हमारा, इसको यदि हम एलएचएस मान लिए, एलएचएस है हमारा ना बायापक्ष है ना, तो जो हमारा बायापक्ष भी चौदह आया, और एक गुणे बी प्लस एक गुणे सी हमने दो आरएचएस लिया वो भी हमारा चौदह आया, यानी कि यहां से यदि हम लिखना चाहें, तो यदि इस उदाहरण को लिखना चाहें अंकों में, तो क्या लिख सकते हैं दो दो गुणे बी प्लस सी, यानी कितना तीन प्लस चार बराबर दोस्तों क्या होगा दो गुणे तीन प्लस दोस्तों कितना दो गुणे चार, ये तो लिखा देखिए दो गुणे तीन प्लस चार और बराबर दोस्तों दो ए के मतलब कितना दो गुणे तीन प्लस दो गुणे चार। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं, कर लेंगे ना ऐसा एग्जाम्पल। अब कोई भी यहां पे कोई ए बी सी के स्थान पे कोई भी नंबर आप चुन लीजिए आएगा दोस्तों सेम ही। चलिए एक और हम आपको चुन के दिखा रहे हैं, ये तो पहला उदाहरण होगा, दूसरा उदाहरण देखिए, चलिए एक और चुन के दिखा रहे हैं आपको फटाफट देखिए।
फटाफट आप देखिए, एक और दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लेते हैं इस बार ए बराबर दोस्तों हमारा 5 हो, ठीक है, बी बराबर हमारा दोस्तों 7 हो और सी बराबर दोस्तों 2 हो, ये मान लेते हैं 5, 7, 2 है। अब दोस्तों इसमें रखिए वही नियम, ए के साथ कितना 5 रखेंगे और फिर क्या लगा मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई गुणा लगा, फिर बी के साथ दोस्तों 7 है तो 7 रख लिया ठीक दोस्तों, और सी के स्थान पे दोस्तों 2 है तो हमने 2 कर लिया ठीक। चेक करिए इसको तो 5 होगा इंटू 7 + 2 9 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 9 से कर ले 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 45 है। इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए ए कितना दोस्तों आपका 5 तो 5 होगा गुड़े बी कितना दोस्तों 7 हो गया प्लस लगा लीजिए, ए कितना दोस्तों 5 है 5 कर लिया और फिर गुणा लगा तो गुणा लगा लिया, सी कितना दोस्तों 2 है तो 2 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट तो 5 × 7 = 35 हो गया प्लस 5 × 2 = 10 तो 35 × 10 दोस्तों कितना हो गया 45 है कि नहीं, यानी कि दोस्तों इसको क्या ये उदाहरण नंबर 1 हो गया था हमारा, ये मान लेते हैं उदाहरण नंबर हमारा दूसरा दूसरा क्या है क्या ले सकते हैं दोस्तों ये फर्स्ट सेकंड चलो कर देते हैं, वहां भी 2 लिखा तो 1 हो गया फर्स्ट सेकंड उदाहरण देखिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि 5 × 7 + 2 क्या आया 5 × 7 और प्लस 5 × 2 ये तो लिखा 5 × 7 + 5 × 2 तो आई होप आपको गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण समझ में जरूर आया होगा दोस्तों ठीक। दोस्तों इसके पहले हमने 3 प्रगुण आपको कराया था, एक समरक प्रगुण कराया था, क्रम विनिमेय प्रगुण कराया था और चौथा दोस्तों कौन सा कराया था तीसरा कौन सा सहचर प्रगुण कराया, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको क्या गुणन का समरक प्रगुण क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में बताया था, फिर गुणन का दोस्तों क्या क्रम विनिमेय नियम कमेंटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में बताया था और तीसरा दोस्तों गुणन संक्रिया का सहचर नियम बताया था, बताया भी है बताया कि नहीं कमेंट करके दोस्तों बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, यदि आपने देखा हो तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। आइसोसेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों हमने आपको विधिवत से तीनों प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताई और चौथी प्रॉपर्टी दोस्तों ये हो गई। चलिए अब हम पांचवी प्रॉपर्टी की दोस्तों बात करते हैं, पांचवा प्रगुण हमारा क्या कहता है ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, पांचवा दोस्तों प्रगुण आपका कहता है गुणन संक्रिया का दोस्तों जो यहां पर योग लिखा है उसके बाद दोस्तों घटाने योग के साथ घटाने घटाने पर प्रगुण घटाने पर प्रगुण दोस्तों ध्यान से देखिए इसको हम रब कर रहे हैं एक बार दोबारा सही से समझा दे रहे हैं, वैसे रहेगा सेम ऐसे ही फिर भी हम एक बार समझा दे रहे हैं ध्यान से देखिए दोस्तों लिखते रहिए नोट जरूर बनाते रहिए। आप देखिए गुणन संक्रिया का घटाने पर प्रगुण क्या कहता है दोस्तों, तो देखिए क्या गुणन संक्रिया का घटाने पर प्रगुण डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन घटाने वगैरह ना, यानी कि जो गुणन संक्रिया का घटाने पर दोस्तों वितरण प्रगुण है इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे अभी हमने योग पे किया, योग पे यानी जैसे अभी हमने जोड़ने पे किया दोस्तों सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है, सिर्फ जहां पर प्लस है वहां पर दोस्तों हम क्या कर लेंगे माइनस। देखिए दोस्तों कैसे लिखिए पहले समझाते हैं, यदि ए कामा बी तथा सी 3 पूर्ण संख्याएं 3 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं हो तो ध्यान से समझिए, तो यहां पे देखिए ए गुड़े बी माइनस सी बराबर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए गुड़े बी माइनस ए गुड़े सी इसकी मल्टीप्लाई से क्या ए गुड़े बी होगा और माइनस था तो माइनस रहा ए गुड़े सी, ये होता है क्या गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, इसे गुणन संक्रिया का घटाने पर प्रगुण कहते हैं
घटाने पर प्रगुण कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको दोस्तों ध्यान से उदाहरण देखिए कैसे। उदाहरण नंबर दोस्तों पहले की बात करते हैं, क्या उदाहरण नंबर दोस्तों पहला देखते हैं। यदि हम मान लें एक स्थान पर दोस्तों मान लेते हैं वही जो अभी लिया था दो, ठीक है, बी के स्थान पर चलिए और मान लेते हैं, अच्छा दो हो गया, अब बी के स्थान पर दोस्तों मान लेते हैं पांच एंड सी के स्थान पर दोस्तों मान लेते हैं तीन, चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसको एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, होगा भी, यानी कि दोस्तों कैसे ए कितना मारा दो गुड़े, चेक करते हैं बी कितना मारा पांच एंड सी कितना तीन, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दो तो दोस्तों हमारा ऐसे रहा गुड़े पांच में से, मैं दोस्तों कितना जाएगा पांच में से तीन जाएगा दोस्तों, पांच में से दोस्तों तीन जाएगा कितना बचेगा पांच से तीन दो बचेगा यानी कि चार आ गया। इसको इसमें रखा वैल्यू, हमने वैल्यू किसमें रखा ए क्रॉस बी माइनस सी में वैल्यू रखी हमने, इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें रखते हैं आरचीएस में, तो ए क्रॉस बी माइनस का दोस्तों कितना ए क्रॉस सी है, ये आरचीएस पार्ट होगा, इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए ए के स्थान पर दोस्तों कितना रखेंगे दो गुड़े बी के दोस्तों कितना पांच फिर माइनस फिर कितना दोस्तों ए है, ये हम ब्रैकेट जरूरत नहीं, ए दोस्तों कितना दो और गुड़े दोस्तों सी कितना तीन, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो दो पंचे दोस्तों दस और माइनस दो तीन छः, तो दस में से दोस्तों छः का कितना चार। तो ध्यान से देखिए एलएचएस पार्ट, इसको यदि हम एलएचएस एलएचएस ये हमारा एलएचएस पार्ट है चार आया और आरएचएस भी पार्ट चार आया, यानी कहने का मतलब दोस्तों जो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दो गुड़े पांच माइनस तीन, दो गुड़े पांच माइनस तीन बराबर क्या होगा यहां पर ए, तो ए का दोस्तों मतलब कितना दो गुड़े बी दोस्तों कितना पांच, ठीक है, और क्या माइनस है तो माइनस लगा लिया, फिर ए कितना दोस्तों दो और गुड़े दोस्तों बी कितना सी कितना दोस्तों तीन, ये होगा कि नहीं होगा, यही तो हमने सॉल्व किया, दो गुड़े पांच माइनस का दो गुड़े तीन और कितना इधर दो गुड़े पांच माइनस तीन बराबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक हम प्रॉपर्टी और लेते हैं, जैसे पांच गुड़े सात माइनस तीन बराबर दोस्तों क्या होगी पांच गुड़े सात माइनस पांच गुड़े तीन, यही तो होगी, क्या कि हमने पांच गुड़े सात माइनस तीन किया तो पांच गुड़े सात और माइनस का पांच गुड़े तीन होगी, होगी ना दोस्तों। चलिए इसको भी चेक करके दिखाते हैं, ध्यान समझिए इसको भी चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों तो ए यहां कितना लिया ए बी सी कितना है ए दोस्तों पांच हो गया हमारा, जैसे इससे तुलना करें पांच हो गया, सी कितना हमारा सॉरी बी कितना हमारा सात हो गया है कि नहीं, और सी दोस्तों कितना हमारा तीन हो गया, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो ए के साथ दोस्तों ए कितना हमारा पांच हो गया पांच गुड़े बी दोस्तों कितना हमारा सात और माइनस तीन, वही तो लिखा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बराबर होंगे, यदि प्रॉपर्टी सही है तो ये बराबर जरूर होंगे, देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करें, या चलो यही चलो नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो पांच गुड़े सात में से तीन जाएगा दोस्तों कितना बचेगा चार बचेगा, तो पांच जब दोस्तों कितना बीस आया जाके सॉल्व करने पर, इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो ए दोस्तों हमारा कितना पांच गुड़े बी दोस्तों कितना सात माइनस ए कितना हमारा पांच और गुड़े सी दोस्तों कितना तीन, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो पांच सते पैंतीस माइनस पांतिया पंद्रह, तो पैंतीस में से दोस्तों पंद्रह जाएगा कितना बीस, तो देखिए दोस्तों जो हमने एलएचएस पार्ट लिया ये भी बीस आया और आरएचएस पार्ट लिया ये भी बीस आया, मतलब बायां पक्ष साल किया तब भी बीस आ रहा, दाहिना पक्ष साल पड़े तब भी बीस आ रहा। तो आई होप आपको ये क्या गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण समझ में आया होगा। दोस्तों हमने आपको पांचों प्रगुण विधिवत से बता दिया, गुणन संक्रिया पर दोस्तों हमारे जो प्रगुण है हमने पांचों प्रगुण दोस्तों आपको विधिवत से समझा दिया, क्या विधिवत से समझा दिया। फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट है कोई समस्या है दोस्तों तो आप जरूर पूछिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए फिर आगे दोस्तों बात करते हैं, नोट करिए फटाफट। ठीक दोस्तों नोट कर लिया ना, चलिए
चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। इसको रब कर रहे हैं, रब करें, ध्यान से देखिए। ध्यान से अगली दोस्तों ये नहीं देखते हैं क्या है इसमें। गुणनफल का तत्समक अवयव, अगली नहीं दोस्तों क्या है गुणनफल का तत्समक अवयव क्या होता है आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है गुणनफल का तत्समक अवयव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, क्या गुणनफल का तत्समक अवयव। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव तत्समक अवयव मतलब दोस्तों गुणन का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होती है, ये पेपर में दोस्तों आपके एक पेपर में कहने का था एक नंबर पेपर में एक नंबर का या तो ये पहुंचा जाता है अति लघु में या दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि गुणन का तत्समक अवयव होता है जीरो एक दो इनमें से कोई नहीं या इन्फिनिटी लगा देता है। तो दोस्तों इसमें से क्या गुणन का तत्समक अवयव होता है दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा एक लाइन लिखिए फिर समझाते हैं गुणन का तत्समक अवयव होता क्या। दोस्तों लिखिए यदि, यदि दोस्तों फटाफट लिखिए यदि ए, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो, क्या दोस्तों यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ध्यान समझिए ए क्या कोई पूर्ण संख्या दोस्तों आपको बताया था हमने क्या होता दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करते हैं यानी कि शून्य सहित जितनी भी दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या कहलाती पूर्ण संख्याएं कहलाती होल नंबर्स दोस्तों कहलाते हैं ठीक है। जैसे जीरो एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि प्राकृतिक संख्या जिनके द्वारा हम क्या वस्तुओं को काउंट करते हैं या गिनते हैं दोस्तों ठीक है। चलिए तो कहा यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ध्यान समझिए ए क्रॉस मतलब ए गुणे वन बराबर दोस्तों वन गुणे ए बराबर ए, ये चीज को समझ में आई क्या हमने कहा ए गुणे वन गुणे ए बराबर ए यानी कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या को वन से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती अर्थात जो गुणन का दोस्तों जो हमारा तत्समक अवयव होता है गुणन फल का दोस्तों जो हमारा तत्समक अवयव होता है एक होता है क्या अर्थात एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं क्या ये चीज समझ में आई यानी कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या को एक से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है ठीक है। तो ध्यान समझिए अर्थात एक को गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव यदि आइडेंटिटी आपसे पूछता है तो कितनी बताएंगे, यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोस्तों आपसे पूछता है तो दोस्तों कितनी बताएंगे वन बताएंगे, यदि गुणन का दोस्तों क्या तत्समक अवयव पूछेगा तो वन बताएंगे अर्थात एक को क्या कहते हैं गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। यानी कि एक लाइन में यदि इसको समझना चाहें तो यदि आपसे हम पूछें एक दूसरे शब्दों में कि पूर्ण संख्याओं को हम ऐसे किस नंबर से गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो, ऐसा हम आपसे पूछ रहे हैं यदि हम पूर्ण संख्याओं को हम ऐसे किस नंबर से कोई पूर्ण संख्या ले उसको हम किस नंबर से गुणा करें कि हमें क्या हो गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो, गुणनफल हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों सिर्फ ओनली वन है, यदि वन को हम
किसी भी पूर्ण संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, किसी भी पूर्ण संख्या में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे पांच है तो यदि दोस्तों पांच को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच ही तो प्राप्त होगा, ये पूर्ण संख्या क्या नहीं, दो है लेकिन दो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना दो ही तो प्राप्त होगा। यदि वन है वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो कितना वन ही तो प्राप्त होगा। तो कौन कौन संख्या, जैसे हमने पांच को लिया, पांच लिया तो पांच ही तो प्राप्त हुई, दो लिया दो ही तो प्राप्त हुई, एक लिया तो एक ही तो प्राप्त हुआ। जैसे जीरो ले लें, यदि हम जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना जीरो ही तो प्राप्त होगा। यानी कि जो हमारा आइडेंटिटी दोस्तों होती है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी दोस्तों होती है वो दोस्तों क्या होती है, वन होती, गुणन की वन होती। यानी पूछना है यदि हम किसी पूर्ण संख्या को किसे वन से मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात किसी पूर्ण संख्या को किसी ऐसी संख्या से यदि हम गुणा कर दें, यदि प्राप्त गुणनफल वही संख्या हो, यदि हम किसी पूर्ण संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल वही संख्या हो तो उसे हम गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, एक दूसरे भाषा में आपको समझा दिया क्या। यदि आपसे पूछे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या को ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल हमारी वही संख्या हो तो उसे हम गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इस परिभाषा को हम इस ढंग से भी दोस्तों लिख सकते हैं। यहां भी हमने क्या किया, एक गुणे वन करें चाहे वन गुणे ए करें बराबर यही तो रहेगा। कहने का मतलब दोस्तों पांच गुणे वन किया तो यदि हम वन गुणे फाइव करेंगे तो दोस्तों कितना फाइव तब भी रहेगा भाई। इसको क्या दो गुणे एक किया तो एक गुणे दो करेंगे तब भी दोस्तों हमारा कितना रहेगा, दो ही तो रहेगा। एक गुणे एक करेंगे तब भी तुम्हारा एक रहेगा, एक गुणे जीरो करेंगे तब भी तुम्हारा जीरो रहेगा। राइट, ये बात समझ भाई क्लियर हो गया। चलिए तो दोस्तों ये मुझे तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो अर्थात एक को गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। एक नोट लिख लीजिए, पूर्ण संख्या को उसे के तत्समक अवयव से गुणा करने पर वही संख्या दोस्तों प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या को उसके तत्समक अवयव से गुणा करने पर किसी पूर्ण संख्या को किसी पूर्ण संख्या को उसके तत्समक अवयव से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। क्या किसी पूर्ण संख्या को उसके दशमलव अवयव से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती, किसी पूर्ण संख्या को, ये गुणन की बात कर रहा, गुणन में जिससे आप नोट इधर बढ़ा लीजिए, नोट गुणन में किसी पूर्ण संख्या को गुणन में क्या गुणन में किसी पूर्ण संख्या को उसके तत्समक अवयव से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एक को या ऐसे लिख लिए, गुणनफल का तत्समक अवयव एक होता है, क्या या कह सकते हैं एक को गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। गुणन का तत्समक अवयव कितना होता है, एक होता है। तो मुझे उम्मीद है आपकी ये लास्ट वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है कि गुणन का या गुणनफल का ज्यादा लिखा होता है गुणन का, या तो गुणनफल लिख दिया हमने, ज्यादातर लिख के या तो गुणनफल भी लिख के मिल सकता है या मिल सकता है गुणन का तत्समक अवयव होता है। तो आप कहें गुणन का तत्समक अवयव एक होता है। तो आई होप आपको ये जो गुणन की ये दोस्तों ये जो तत्समक अवयव आइडेंटिटी जरूर समझ में आई होगी।
ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगली आइडेंटिटी बात करते हैं, जीरो आइडेंटिटी की दोस्तों बात करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगली दोस्तों जो आइडेंटिटी है देखिए, इसको रैप करें। चल अगली आइडेंट दोस्तों तो है शून्य का गुणन गुण, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। शून्य का गुणन गुण। तो दोस्तों शून्य का गुणन गुण के मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान समझिए कि हमारी जो जीरो आइडेंटिटी क्या होती है, गुणन में जीरो आइडेंटिटी का दोस्तों क्या मतलब, इसको रख रहे हैं फिर उसको भी बता रहे हैं। ध्यान समझिए, अच्छी डिफिनेशन दोस्तों, अच्छी है दोस्तों, टॉपिक ये भी अच्छा है। तो यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो यहां देखिए, ए गुणे जीरो बराबर जीरो गुणे ए बराबर जीरो। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब कहा, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ए गुणे जीरो बराबर जीरो गुणे ए बराबर जीरो, यानी किसी पूर्ण संख्या को यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों क्या होता है, प्राप्त गुणनफल दोस्तों हमारा कैसा होता है, शून्य होता है। क्या, किसी पूर्ण संख्या को दोस्तों यदि हम जीरो से गुणा कर देते हैं तो प्राप्त दोस्तों जो हमारा गुणनफल होता है क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है किसी पूर्ण संख्या एंड जीरो का गुणनफल, क्या किसी पूर्ण संख्या तथा जीरो का दोस्तों जो हमारा गुणनफल होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हम क्या ले लें, कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, पांच ले लेते हैं, अरे दो लिख गया तो दो ले लीजिए, दो ले लिया, तो दो को यदि हम जीरो से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा। भाई किसी भी संख्या को हम जीरो से यदि मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमारा जीरो ही प्राप्त होता है, या इसी को ऐसे क्या ए गुणे जीरो, यानी कि ए बराबर यहां पे हमने कितना ले लिया, दो ले लिया दोस्तों, तो जब ए बराबर दो ले लिया तो ए बराबर दो लिया तो एक दो गुड़े कितना, एक गुड़े जीरो होता तो दो गुड़े जीरो क्या करता दोस्तों, जीरो आया। या यदि हम इसी को क्या करना चाहें, जीरो गुड़े दो भी करेंगे दोस्तों तो तब भी कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा, है कि नहीं। जैसे क्या लेना, दूसरा जैसे एग्जांपल लेना चाहे, पांच का था, चलो पांच गुड़े जीरो कर ले, तो यदि ए बराबर दोस्तों हमने पांच लिया तो पांच गुड़े जीरो भी तो जीरो आएगा, आएगा कि नहीं। इसी बात जीरो गुड़े पांच करें तब भी दोस्तों हमारा कितना, जीरो आएगा। गुणा में क्रम पलटने से कोई अंतर दोस्तों नहीं पड़ता है, परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं। तो किसी भी पूर्ण संख्या को यदि हम दोस्तों जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हमारा जीरो ही प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात किसी पूर्ण संख्या तथा जीरो जीरो का गुणनफल शून्य होता है, का गुणनफल शून्य होता है। जीरो लिख लें या जीरो मतलब क्या, शून्य ही होता है। जीरो भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य कर लीजिए या जीरो कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, अर्थात किसी पूर्ण संख्या तथा शून्य का गुणनफल शून्य होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या, जो हमारी दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, एक क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोस्तों पढ़ी, दूसरी दो आइडेंटिटी आपने पढ़ी, दूसरी कौन सी, जीरो आइडेंटिटी। तो गुणन में आपने दो आइडेंटिटी दोस्तों पढ़ ली आपने, ठीक दोस्तों। तो हमने आपको विधिवत से क्या, आपको जितने भी गुणन की जो दोस्तों आपके प्रगुण थे,
पांच प्रगुण थे दोस्तों, हमने आपको विधवा से पांचों प्रगुण के बारे में बता दी। दो हमारे पास आइडेंटिटी थी, कौन सी? एक कौन सी दोस्तों? एक आइडेंटिटी कौन सी? तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव दोस्तों कितना होता है? एक होता है, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसके बारे में हमने आपको बता दिया, और जीरो आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में आपको विधवा से हमने समझा दिया है कि नहीं दोस्तों। चलिए इसको ध्यान से लिख लीजिए, फिर उसके आगे दोस्तों बात करते हैं। लिख लीजिए दोस्तों फटाफट। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है उसका लेक्चर नंबर दोस्तों दूसरा है। आप सभी भाई बंद इसके पहले के भी दोस्तों पुराने वीडियोज भी पढ़े हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, तो उससे इसमें बहुत बड़ा दोस्तों अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। जो टॉपिक आपको सेम भी देखने को मिल रहे हैं, तो आपको कुछ नया तो सीखने को मिल ही रहा होगा। इसीलिए ये मत सोचिए कि हमारे पहले के वीडियोज देखे थे तो हम उसके नोट्स ना बनाए, जो इसके नोट्स आप ना बनाए, उसके तो आपने नोट्स बनाए हैं, जो पहले वीडियोस देखे थे तो उसके नोट्स आपने बनाए होंगे। अब आप वीडियोस को जितने भी हम यहां से वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पढ़ने का पढ़े वीडियो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दोस्तों क्या करें आप पढ़ने का पढ़े दोस्तों क्या जरूर वीडियो देखिए, जिससे क्या रहेगा दोस्तों आप यदि रेगुलर वीडियो देखेंगे, यदि आपके पास नोट्स बने भी हैं इसके पहले के चैप्टर के दोस्तों, तो कुछ हो सकता है हम ऐसी बात बोले जो आपके क्या काम वाली हो, और हो सकता है उस वीडियो में ना बताई हो इस वीडियो में बता रहे हैं, है कि नहीं। तो ये नहीं करिए, सारे वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, और नोट्स जरूर बनाते चलिए। यदि आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपकी यदि मैथ आपको लगता हो कि मैथ हमारी वीक है, तो आपकी मैथ वीक नहीं, आप सिर्फ क्या पढ़ने का पढ़ने प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वीडियो वॉच करिए, और कहीं पर दोस्तों कोई डाउट है तो अपने भाई से पूछते रहिए। हम आपकी हर तरह से दोस्तों मदद कर रहे हैं दोस्तों, जिससे क्या हो हमारे जितने भी भाई बहन जिनको लगता था कि मैथ पास हम कैसे करेंगे, कैसे हम पास हो गए मैथ में, एक कैसे ऐसे सवाल लगाएंगे, कैसे हम सीखेंगे मैथ को, है कि नहीं। तो जो मैथ ग्रुप के थे तो उनको तो दोस्तों समझ में आता है, लेकिन फिर भी जो मैथ ग्रुप के हैं, यदि आपके भाई बंधु हैं और यदि मैथ के, तो उनको भी समझाइए कि क्या आप भी वीडियोस को देखें, भले क्या करें वीडियोस को देख ले और अच्छे से नोट्स वो भी बना ले। ऐसा नहीं कि यदि उनको ये सब कुछ पूरा बहुत अच्छे से आता है और वो दिमाग में बैठा ले कि हमको 25 में 25 नंबर मिल जाएंगे, हम पढ़े या ना पढ़े इसमें है क्या, क्योंकि जो मैथ वाले होते देखते हैं अरे इसमें सिलेबस में क्या है, ये तो सब उनको आता है, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो इस भावना से यदि कोई मैथ वाला बच्चा है, यदि इस भावना से कोई भी हमारा बच्चे जो भाई देख रहा है वीडियो, तो ध्यान से समझिए दोस्तों, मैथ वालों को भी क्या है, जो मैथ से थे उनकी भी डीएलएड में बैक लगी है। ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हमको मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे पास मैथ है फिर भी हमसे बैक लगी हो, बता, और तब क्या होता है बताते भी नहीं बनता है, किसी से तुम बता भी नहीं सकते हो क्योंकि इतना संकोच, इतनी शर्म लगती, क्यों? क्योंकि कहेंगे मैथ की, क्योंकि आप ही तब पहले कहते थे डीएलएड में मैथ में क्या है, कुछ नहीं है, और जो कहीं धोखे से मैथ वालों की बैग लग गई तो सोचिए एक बार। इसलिए ये नौबत ही ना आए, क्योंकि मैथ पूरी 200 डिपेंड किस पे, प्रैक्टिस पर, और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं नहीं, सिर्फ डायरेक्ट पेपर देने चले जाते हैं। इसलिए जितने भी भाई बंधु हैं आपके, यदि मैथ वाले भाई बंधु देख रहे हैं आपके जो साथ मैथ पढ़ते हैं, उनको भी समझाइए कि ऐसा नहीं कि मैथ्स के हैं तो ये स्टाम्प पेपर पर लग गई मोहर कि हाँ हम पास ही हो जाएंगे, और पास भी हो गए जितने हम मैथ के तो 25 में 25 सबके, हमने कहा जितने भी भाई बहन वीडियोस को देख रहे हैं तो रेगुलर नोट्स बना रहे अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे तो भरोसा है कि आप 25 में 25 लेके आएंगे, कुछ आपको सीखने को पढ़े कुछ ना कुछ नया दोस्तों मिलता होगा। इसीलिए हम हर बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज को सिखाते हैं, यानी कि हम शून्य से शिखर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हर बात को आपको हम बताते चलते हैं, कहीं पर भी यदि कुछ भी होता तो हम बताते जरूर हैं, जिससे क्या हमारे भाई बंधु जो सीख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपका दोस्तों काम क्या, नोट्स बनाए अच्छे से, उनकी प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहें, जिससे सदा से कोचिंग क्लासेस का जो फैमिली है परिवार धीरे धीरे क्या बढ़ता रहे, और भाई बंधु भी देखें दोस्तों वीडियोस को देखें और क्या अपना कल्याण कर सके दोस्तों। इसलिए आप शेयर करने में और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करिए कैसा वीडियो लगा दोस्तों, आप पढ़ने का पढ़ने कमेंट जरूर करिए किया करें, जिससे क्या होता दोस्तों हमारे पास भी आपका क्या होता फीडबैक आता कि हाँ
मुझे पता चलता है कि हाँ हमने ऐसा पढ़ाया, हमारे भाई बहन ऐसा चाहते हैं, हम और अच्छा से अच्छा पढ़ा सकते हैं। आपके द्वारा कमेंट हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपका जो लाइक होता है, कमेंट होता है दोस्तों, हमें मोटिवेट करता है कि हाँ हमारे भाई बहन चाहते हैं हम और अच्छा से अच्छा मैटर लेके आए और अच्छे से आपको पढ़ाएं सिखाएं। तो इसीलिए क्या आप कमेंट करके जो दोस्तों जरूर करते रहा करिए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास कैसे लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।